नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मऊ जिले में जिलाधिकारी आवास पर कल बीडीसी सदस्य ब्लॉक प्रमुख का साथ देने के लिए पहुंचे, जहां जिलाधिकारी आवास के बाहर लगभग 53 की संख्या में बीडीसी सदस्य मौजूद रहे, लेकिन जिलाधिकारी ने ब्लॉक प्रमुख सहित बीडीसी सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मायूस होकर ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी सदस्य लौट गए। जिलाधिकारी की उदासीनता के कारण लगभग रतनपुरा ब्लॉक में 2 महीने से विकास कार्य रुका हुआ है। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख अजीत कुमार धूसिया के खिलाफ विपक्षियों ने फर्जी तरीके से अविश्वास पत्र दाखिल कर दिया। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु मौन बने हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले में बीडीसी सदस्य ने बताया कि हम लोग ब्लॉक प्रमुख अजीत कुमार धूसिया के साथ हैं, इनके खिलाफ फर्जी तरीके से अविश्वास पत्र दाखिल किया गया है। जी, जैसे कि काम नहीं हो रहा है तो ये फर्जी कर रहा है, तो वो है क्षेत्र पंचायत को भड़का रहा है। ऐसे करके डीएम साहब के पास, डीएम साहब को मैं एक पत्र दिया, उनको कहा सर ये ऐसी फर्जी ये लोग करके फर्जी सिग्नेचर करके ये आगे दिए हैं लोग एलएलपी बना के, जिसमें एक दसाई जी हैं, दिवाली ग्राम सभा के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनका फर्जी मैं वो लेके सर्टिफिकेट लेकर ये सब लोग किए थे, तो उनको गेम छा में दिलवाया और डाटा फटका रहा और तब जाके ये लोग हमारे तरफ से 52 लोग हैं। जैसे मानक तो कहता है कि 63 होने चाहिए, जो पक्ष गिरा रहा है उसको 63 चाहिए और जो प्रेजेंट में है उसको 35 या 36 चाहिए। तो मैं फिलहाल ये चाहता हूँ कि चलिए 50, जैसे आधा आधा हो तो एक अधिक और एक कम हो सकता है। बता चाहता हूँ कि जो हमारे खिलाफ ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको पता होगा कि 12/9/2018 को हमारे पर क्या कहते हैं जानलेवा हमला भी हुआ था, और ये लोग हमारे विपक्ष के लोग सिर्फ फर्जी काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे क्षेत्र पंचायत हमसे नाराज़ नहीं हैं, नाराज़ वो लोग हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं। जो अब तक बंडर बाट किए हैं 56 सालों से हमारे ब्लॉक में बंडर बाट जो हुआ है, अब काम दिख रहा है सामने, तो इसकी वजह से लोगों को तकलीफ है, हमारे क्षेत्र पंचायत को तकलीफ है। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी तो उनके साथ आप लोग हैं, तो मिलने किससे आई हैं आप लोग? डीएम। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।